हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैंने बेली फैट को कम करने के लिए एक टी चाय बनाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ट्राई किया है लोगों ने और उसके बारे में बताया है कि वाकई में वो बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया कि मसाज कौन से ऑयल से करें और उस ऑयल को कैसे बनाएं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक इफेक्टिव सा तरीका है, ये किसी रिसर्च में नहीं पाया गया है, कहीं इसके बारे में खोज नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर मैं बता रही हूँ। जिन लोगों ने इसको यूज किया है उनको बहुत फायदा हुआ है। तो बेली फैट को कम करने के लिए कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं अगर इनको अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो। एक बात मैं बताऊं कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी ऑयल खाते हैं तो ये, क्योंकि ये फैट है इसमें, तो वेट बढ़ सकता है, लेकिन अगर लिमिट में लेते हैं और दूसरी जगह से वेट फैट को कम कर देते हैं तो ये बहुत फायदा करता है। इसमें सबसे पहले आता है ऑलिव ऑयल एंड पिंक सॉल्ट। अगर एक चम्मच ऑलिव ऑयल में एक चुटकी पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल के ऐसे ही पिया जाए तो वो बहुत फायदेमंद होता है। इसको आप मॉर्निंग में पी सकते हैं, इसको आप नाइट में पी सकते हैं, किसी भी टाइम पी सकते हैं। इससे आपके आपको एक तो फायदा ये होगा कि आपके कोलोन में जो आपका फूड का मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस तेज होगा और बाउल मूवमेंट सही होगा। आपके जो डाइजेशन के प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब होंगे, वो इधर उधर फैट की तरह जमा नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब बाउल मूवमेंट सही है तो मेटाबॉलिज्म भी सही होगा और ये जब दोनों सही होंगे तो वेट अपने आप लूज होना शुरू हो जाएगा। ऑलिव ऑयल सेल रिपेयर में मदद मिलती है। हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो बिगड़ते हैं बनते हैं, बिगड़ते हैं बनते हैं, ये वेयर एंड टेयर होता रहता है और बॉडी अपने आप उनको बनाती रहती है, उसके लिए मेहनत करती रहती है। लेकिन अगर आपका वेट बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, तो बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को संभालने के लिए और वेयर एंड टेयर का जो प्रोसेस है उसको वो सही से नहीं संभाल पाती, नहीं कर पाती है। इसका एक रिजल्ट फिर ये बनता है कि वेट और ज्यादा गेन होता है। अगर आप ये ऑलिव ऑयल एंड पिंक सॉल्ट लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। पिंक सॉल्ट आपने ज्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी लेना है, और एक टीस्पून ऑलिव ऑयल लेना है। जो लोग कोकोनट ऑयल ले सकते हैं वो कोकोनट ऑयल ले लें, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, और इससे ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, इससे बाउल मूवमेंट सही होते हैं, इससे आपका फूड का कोलोन में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सही होता है। और जब ये सब सही होते हैं तो बॉडी को इन चीजों को डाइजेस्ट करने में मेहनत ना करके वो रिकवरी स्टेट में बहुत जल्दी आ जाती है और बहुत जल्दी वो सेल्स का वेयर एंड टेयर जो हुआ था उसको रिकवर करने में लग जाती है। ऐसे में आपको फायदा ये होता है कि आपका वेट भी नहीं बढ़ता है और बाकी आपकी बॉडी की हेल्थ भी सही रहती है, और जितनी ज्यादा हेल्थ सही रहेगी उतने ज्यादा आप फिट रहेंगे। इसको खाने का सही समय है जस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट और जस्ट बिफोर द डिनर, दोनों में से किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, या तो एकदम ब्रेकफास्ट के पहले या एकदम डिनर के पहले, तब ये ज्यादा फायदा करता है। अब बात करते हैं पिंक सॉल्ट की। क्यों पिंक सॉल्ट भी मेटाबॉलिज्म को सही करता है। अगर किसी को ज्वाइंट पेन वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। बॉडी के अंदर मिनरल्स का और विटामिन्स का जो इनटेक हम जो हम खाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन सही होता है, तो पिंक सॉल्ट से ये फायदा होता है कि उनका एब्जॉर्प्शन सही होता है। जब हम इसको कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल के साथ मिला के लेते हैं तो ये दोनों चीजें मिलके एक परफेक्ट ऐसा कंकोशन बन जाती है जो बॉडी में फैट को घटाने में, बॉडी के वेट को घटाने में बहुत मदद करती है। स्टूल मूवमेंट सही होगा, पेट साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो हेल्थ अपने आप अच्छी होगी और हमारी हमारी बॉडी जो है अपने आप को सही से रिपेयर करके सही से मेंटेन करके रखेगी और बॉडी फैट नहीं बनेगा, क्योंकि हम एक दवाई की तरह इसको पी रहे हैं। दूसरा एक तरीका यह है, अगर आप पिंक सॉल्ट नहीं खाना चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल को लेमन जूस के साथ ले सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा कंकोशन बनता है, उससे भी मेटाबॉलिज्म सही होता है, डाइजेशन सही होता है और एक फुलनेस की फीलिंग आती है, मतलब आपको जल्दी भूख नहीं लगती। कभी कभी होता है ना, आपने अभी अभी खाना खाया और आधे घंटे के बाद फिर से लग रहा है कि भूख लगी और फिर कुछ खाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई जाती है। जब आप लेमन जूस और ऑलिव ऑयल इस तरीके से लेंगे तो एक फुलनेस की फीलिंग आएगी और बार बार
खाने का मन नहीं करेगा। लेमन बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी है, तो बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल के भी बाहर करेगा। तो ये जो इसके प्रॉपर्टीज हैं वो वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप ऑलिव ऑयल एंड लेमन जूस को ले सकते हो। इससे अलग भी कुछ और चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। अजवाइन का पानी ले सकते हैं, जीरे का पानी ले सकते हैं, मेथी का, सौंफ का, इनका पानी भी आप ले सकते हैं अल्टरनेट डेज पर, एक दिन ये लिया एक दिन ये लिया। तो ये सब चीजें मिलके फैट को एक्युमुलेट नहीं होने देंगी, फैट बर्निंग के प्रोसेस को तेज करेंगी। ऑफकोर्स ये जरूरी है कि उसके साथ आपको अपनी फिजिकल मूवमेंट सही रखनी है, आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, और खाने पीने का ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल को सुधारना है, क्योंकि उसके बिना कोई भी नुस्खा काम करेगा नहीं। जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे, जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तो कितने भी नुस्खे करते जाएं, ये कोई जादू के नुस्खे नहीं है जो फायदा करेंगे। ये तभी फायदा करेंगे जब आप अपनी इन चीजों पर भी ध्यान देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ मददगार लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।